दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में दोस्तों ने अपने दोस्त की चाकू और बियर की बोतल से हमला कर मौत के घाट उतारा। पूर्वी दिल्ली के थाना कल्याणपुरी इलाके के अंबेडकर पार्क के पास एक युवक की खून से लथपथ बॉडी मिली है। थाना कल्याणपुरी को तुरंत सूचना दी गई। कल्याणपुरी की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक की शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री भेजा गया है। पूर्वी जिले की डीसीपी पूर्व गुप्ता ने बताया है कि आज सुबह 6:44 पर पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी कि छोटू की दुकान 18 ब्लॉक कल्याणपुरी के पास एक शव पड़ा है जिसकी जांग पर चाकू से वार किया गया है। सूचना के स्थान पर पुलिस की एक टीम तुरंत पहुंची और जांच शुरू की गई। अरे मेरे बेटा तो ड्यूटी का ड्यूटी पे थे, रास्ता में तेली और मेरा बच्चा जब नहीं जी तो मेरे बेटा को ये मर्डर करने वाले कौन कैसे अरे मुझे ना है पतो भाई यार अब पतो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कल्याणपुरी थाने में एक डेड बॉडी की कॉल रिसीव हुई थी। इमीजिएटली मौके पे पहुंचने पे हम लोगों ने वेरीफाई किया ये जो डिसीज्ड है ये अजीत सिंह है, सन ऑफ वीर सिंह, 25 साल उम्र के हैं। काफ़ी टाइम से यहीं पे इंदिरा कैंप कल्याणपुरी में रह रहे थे और पिछले एक महीने से ईस्ट विनोद नगर में किसी एड्रेस पे शिफ्ट हो गए थे। ये नोएडा में ऑफिस बॉय का काम करते हैं और कल रात को घर नहीं पहुंचे थे। यहाँ पे सुबह सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है। मोस्ट लाइकली जो सस्पेक्टेड है इसमें मर्डर किसी आपसी कहा सुने के बेसिस पे हुआ है जिसमें कि कुछ बियर बॉटल्स वगैरह के साथ इनको इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई है। इस पर इमिजिएटली हमने मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया और इस पर अभी तफ्तीश चल रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।